चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव इक्वल विड्थ एंड द सोर्स इज प्लेस सिमेट्रिकली रिलेटिव टू द स्लिट्स, द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इज आई नॉट, इफ वन ऑफ द स्लिट्स इज क्लोज द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी। देखो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन है ठीक है, और ये दो स्लिट्स हैं S1, S2, और इनके बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल d ठीक है, और इसका जो सेंटर है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो एक वेव यहाँ से चली C पे पहुँची, दूसरी वेव यहाँ से चली यहाँ पहुँची, दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा, और यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बन गया ठीक है करेक्ट। एक वेव इधर चली, एक वेव इधर चली, और यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी इसकी आई, और इसकी भी आई कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ बोल रहा है कि जो इंटेंसिटी बन रही है वो आई नॉट के इक्वल है, ये जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो आई नॉट के बराबर है ठीक है। तो जनरली आई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट में आई वन रूट आई टू इन टू कॉस फाई। अब क्वेश्चन में ये है कि दोनों जो है कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, पहली बात तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, तो I1 is equal to I2 is equal to I हमने कंसिडर कर लिया था यहां पर ठीक है, I कंसिडर किया, तो I net की वैल्यू कितनी होगी, I net is equal to कह रहा है क्वेश्चन में I plus 2 under root I into I, और फेज डिफरेंस होगा 0, तो cos 0 की वैल्यू plus 1 होती है, यानी ये 2I हुआ, ये plus 2 into I, इट मींस 4I के बराबर है, और ये I net को ही कह रहा है, ये I not I net ही है ठीक है, आई नॉट क्या है, आई नेट ही है, तो आई नॉट की वैल्यू 4i हो गई ठीक है करेक्ट है, यानी ये इंटेंसिटी जो आई नॉट है वो 4i के इक्वल है, यानी इंडिविजुअल का 4 टाइम्स है। तो अगर एक स्लिट को, ये वाले स्लिट को बंद कर दिया जाए, तो ये बताओ सिर्फ यही वेव तो पहुंचेगी इधर, ये तो इसका रास्ता बंद हो गया, ये पहुंचेगी नहीं, तो यहां पर जो वेव पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो आई के बराबर होगी। तो ये I नॉट था शुरू में जब दोनों वेव पहुंच रही थी, तो 4I था ये इनिशियल ठीक है, अब जब एक ही वेव पहुंच रही है तो फाइनली इंटेंसिटी कितनी हो गई, सिर्फ I, तो पहले के कंपेयर में कितना रह गया, I फाइनल अपॉन I इनिशियल इज इक्वल टू I फाइनल कितना है I, और I इनिशियल कितना था 4I, तो 1 अपॉन 4 हो गया, I फाइनल की वैल्यू I के बराबर, I इनिशियल की वैल्यू I नॉट के बराबर, तो I इज इक्वल टू I नॉट बाई 4 हुआ करेक्ट है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंटेंसिटी अगर एक स्लिट बंद कर रहे हैं तो पहले के कंपेयर में इंटेंसिटी 1/4 हो जा रही है, तो अगर I नॉट थी पहले तो अब I नॉट बाई 4 हो गई, यानी B वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।